जो अमल हज का अदा करना है इन आमाल में और इन अरकान में जो रुकन आज़म है वो वकूफ़ आरफा है, नौज़िल हज है कि नौज़िल हज को फजर की नमाज के बाद से लेकर आपने जवाल से पहले तक आरफात के मैदान में पहुंचना है और आरफात के मैदान में पहुंचकर जो काम करने वाला है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने आपने खुतबा इरशाद फरमाया है और यही वो खुतबा है जिसे हम उर्फ़ आम में खुतबा हज कहते हैं और अरफात के मैदान में मस्जिद है जिसे मस्जिद निमरा कहा जाता है उसका एक हिस्सा जो है वो दूसरी वादी में है, वो अरफात में नहीं है और वहाँ पे मस्जिद के अंदर वो लाइट्स लगी हैं जहाँ से ये पता लगता है कि ये हिस्सा जो है ये अरफात का नहीं। आपने वादी अरैना में खुतबा वहाँ पे दिया था और खुतबा देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने वकूफ़ आरफा के लिए जो हदूद आरफात की हैं वहाँ पे तशरीफ़ ले आए थे। ये उमूमी तौर पर आम आज़मीन हज को इस बात का इल्म नहीं है क्योंकि लोग मस्जिद नमरा के अंदर दाखिल नहीं होते, उसकी वजह यह है रश बहुत होता है तो मस्जिद के अंदर इतनी जगह नहीं है कि लोग मस्जिद के अंदर समा सकें और उस मंज़र को देख सकें जो वहाँ पे लाइट्स का मंज़र है वो देख नहीं सकते, ज़्यादा इसलिए वाम को इल्म नहीं है। बहरहाल आप आरफात में भी खुतबा सुने तो ठीक है, स्पीकर्स लगे हैं, सहूलत मौजूद है, आपने खुतबा सुना और खुतबा सुनने के बाद आपने जोहर और असर की नमाज कसर अदा करनी है। इमाम वहाँ पे जमात करवाते हैं जो इमाम काबा हैं या इमाम हज हैं वही वहाँ पे जमात करवाते हैं एक अज़ान दो तकबीरों के साथ, यानी दो तकबीरों से मुराद जोहर की अलग तकबीर और असर की अलग तकबीर, दो रकतें जोहर की और दो रकतें असर की, ये इमाम हज वहाँ पे जमात करवाएंगे और तमाम जो आज़मीन हज हैं वो जोहर और असर कसर नमाज अदा करेंगे, यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सुन्नत मुतहरा है। अवामुन्नास की सहूलत के लिए बसा औक़ात इस बात का इम्कान होता है, अरफात का मैदान चूँकि वसी बहुत है, शायद किसी जगह पर स्पीकर की सहूलत मौजूद ना हो, शायद किसी जगह पर इमाम का खुतबा उसकी आवाज़ ना सुनती हो, तो जहाँ पे अगर इस तरह की कोई कैफियत है जो कि ज़ाहरी तौर पे नामुमकिन है, सहूलतें वहाँ पे बड़ी वसी हैं, अगर किसी जगह पे ऐसा मुमकिन हो तो वहाँ पे जमात ख़ुद भी करवाई जा सकती है, लेकिन करवानी उसी तरह है जिस तरह के आपको बताया गया है कि कसर नमाज करवानी है, जोहर की अलग और असर की अलग। अब ये वो अमल है जो रुकन आज़म है वकूफ़ आरफा, आप के पास सारा वक्त मौजूद है, आप इसमें चंद मिनट भी ठहर गए तो आपका वकूफ़ आरफा का अमल पूरा हो जाएगा, आपकी तरफ से अदायगी हो जाएगी। लेकिन अगर आप आरफात में आए ही नहीं, आप उसमें ठहरे ही नहीं, तो ये इतना बड़ा रुकन है कि इसके रहने से आपका हज ही नहीं होगा। जिस तरह के मैंने पिछले जुमे हज के अरकान बताए थे और उसमें यह अमल बड़ा वाज़े अंदाज में बताया था कि अरकान हज में यह बात शामिल है कि जिसका एक रुकन भी रह गया उसका हज नहीं है, तो इसलिए ये अमल हर आज़िम हज पर ज़रूरी है, वो मर्द हो या ख़ातून हो, हत्ता कि अगर वो मखसूस दिनों में भी है एक कोई ख़ातून तो उसके लिए भी वकूफ़ आरफा जो है वो लाजिम है, वो भी आरफात में आएगी, वकूफ़ आरफा करेगी, नमाज़ों से उसको इस्तिस्ना है, वो नमाज़ें नहीं पढ़ेगी लेकिन वकूफ़ आरफा करेगी। जोहर और असर की नमाज़ की अदायगी के बाद नमाज मगरिब तक आरफात में ठहरना है और
यहाँ पे मैं ये बात आपके सामने वाज़े कर दूँ कि जबल रहमत पे जाना ये हज का कोई हिस्सा नहीं है, ना ही ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का अमल है, ना ही सुन्नत से साबित है, ना ही किसी सहाबी का अमल है। कुछ बातें वो हैं जो अवामुन नास में मारूफ हैं कि आप जबल रहमत पे जाएंगे आपकी तौबा कबूल हो जाएगी, ये कोई अमल नहीं है ना सुन्नत से साबित है। आपने जोहर और असर नमाज़ पढ़ी, किबला रुख हो, आप दुआएँ करते रहें, चाहे नवाफिल पढ़ते रहें, कोई अमल करें, दुआएँ करते रहें, अल्लाह को याद करते रहें। जो आपको दुआएँ याद हैं, उर्दू में याद हैं, पंजाबी में याद हैं, अपनी ज़ुबान में याद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते रहें, ये अमल आपने मगरिब तक करना है। जब मगरिब का वक़्त होने लगे तो आपने अराफात से निकलने की कोशिश करनी है। अब चूँकि रश की कैफियत है तो निकलते निकलते आपको घंटों लग जाते हैं, और 9 को ही मगरिब के वक़्त वहाँ से निकलना है, और निकल कर आपने पहुँचना है मुज़दलिफ़ा में, मशर हराम में। और क़ुरान करीम ने उसका तस्करा दूसरे सपारे में किया है, फ़ैज़ा अफ़ज़तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाहा इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ। जब तुम अराफात से लौटो, فَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, तो मशअर हराम में आओ, मुज़दलिफ़ा आओ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो। और आपको पहुंचने में घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी लग सकते हैं रश की वजह से। आपने मगरिब और इशा आकर मुज़दलिफ़ा में ही पढ़नी है, और जमात का एहतमाम हो। सबसे अच्छी बात है, सुन्नत पे अमल होगा कि आप चंद लोग भी हैं, ग्रुप भी है, तो आप मगरिब और इशा कसर नमाज अदा करेंगे, उसी तरह ही अदा करेंगे जिस तरह के आपने जोहर और असर कसर नमाज अदा की है। मगरिब की नमाज 3 रखते हैं और इशा की नमाज 2 रखते हैं, ये आप अदा करेंगे। और अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह से दुआ करें, ये आपका अमल है, आप जितनी मर्ज़ी कर लें। उसके अलावा कोई ख़ास अमल इन 2 नमाज़ों के अलावा कोई अमल सुन्नत से साबित नहीं है मुज़दलिफ़ा के अंदर। फिर उसके बाद क्या करें? अब रात यहाँ पे गुजारनी है, और नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने क्या किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने एक ही हज किया है, 10 हिजरी को, वही आपका पहला हज है, वही आपका आखिरी हज है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुज़दलिफ़ा में जब नमाज़ें पढ़ाईं तो आपने अपने साथियों को कहा कि आप तमाम लोग आराम करें, सो जाएं। हालांकि आपने जब से तहज्जुद शुरू की है आपने छोड़ी नहीं है, उस रात आपने तहज्जुद का एहतमाम नहीं किया, बल्कि साथियों को हुक्म दिया आप सो जाएं। गोया कसर नमाज के उस दिन आपने सलातुल वितर भी अदा नहीं की, सो जाएं, क्योंकि सुबह हमने बहुत सारे काम कर